हाँ जी, लेट अस स्टार्ट बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेट लाइन। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज वी हैव टू डू एग्जांपल्स आल्सो, बिकॉज़ दीज एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो स्ट्रेट लाइन चल रहा था। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास एग्जांपल 20 ऑन पेज बेटा 228। ओके, अब 228 से बेटा पहला क्वेश्चन जो है, इफ द लाइंस 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस ky माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कॉन्कुरेंट। अब बेटा कॉन्कुरेंट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इट पासिस थ्रू अ सेम पॉइंट। कॉन्कुरेंट का मीन्स इट पासिस थ्रू सेम पॉइंट। अब उसने कहा कि मेरे पास जो है ये थ्री लाइंस जो है वो कॉन्कुरेंट है, तो दैट मीन्स कि ये थ्री पॉइंट एक ही पॉइंट से पास कर रही है ऐसे। ओके, तो मेरे पास हुआ के की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। तो बेटा फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हम दो इक्वेशंस को, किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। वहां से एक्स वाई निकलेगा, क्योंकि अगर वो एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो वो थर्ड को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। हम बेटर होता है कौन सी दो इक्वेशंस को सॉल्व करें जहां पर हमारे पास जो है के ना आए। तो देखो के किसमें नहीं है, ना फर्स्ट में है ना लास्ट में, दोनों को सॉल्व करें एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो जब मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, देखिए दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। फर्स्ट में पुट करूं तो 2 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। यानी x 1 y 1 इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 5 प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0, के प्लस 2 इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू माइनस 2 इज द आंसर। ओके जी, क्लियर? सबको बात क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चले आगे। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है एग्जाम्पल 21 फ्रॉम द सेम जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ जी, एग्जाम्पल मेरे पास ये, व्हाट इज रिटन इन द एग्जाम्पल, लिसन इट केयरफुली बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, उसने कहा एक लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और लाइन क्या दी है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू 4x, क्लियर कट है, क्लियर कट है ये लाइन जो है, मैम को बोलो धीरे, क्लियर कट जो है ये लाइन कैसी है, ओरिजिन से पास कर रही है। ओके, 0 0 से पास कर रही है। तो मैं ये लाइन, गुरजोत पे अटेंशन, ऐसे ऐसे होगी कि नहीं, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है और y इज इक्वल टू 4x है, मतलब जैसे जैसे x जो है अगर 1 है y 4 आ जाएगा, x 2 है y 8 आ जाएगा, तो ऐसी लाइन होगी ना, एक रफ आइडिया बनाया। चलिए अब आगे उसने क्या कहा, इस लाइन का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट 4,1। 4,1 यहां कहीं पॉइंट होगा, होगा? जैसे अगर वो एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस मांगता तो आप क्या करते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते। और वो कैसे निकालते थे, ये पॉइंट यहां पुट करते थे एक्स वन वाई वन, उसका मॉड और नीचे अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, हम ऐसे ही करते थे। बट उसने ये नहीं कहा, अब उसने आगे ऐड कर दिया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम अ पॉइंट 4,1 मेजर्ड अलोंग ए लाइन, मतलब जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है
वो ऐसी लाइन के अलोंग करना है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मतलब मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये और यहां से। बात समझ आई? कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करना, नहीं पता चला क्या कह रहे। देखो बेटा, अगर मैं फिर बता रही हूं, नॉर्मली अगर मैं कहती ना कि एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो आप ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते। उसने कहा ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, इस पॉइंट का इस लाइन पे जो डिस्टेंस लगाना है ना, वो एक लाइन के थ्रू कैलकुलेट करना है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री बना, यानी देखा जाए तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर। ऐसे यहां पर आ जाओ, ये लाइन है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना था इस लाइन का, इस पॉइंट से 4,1 से। अगर यहां तक होता तो मैं सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पर वो कहते हैं कि इस लाइन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, वो ऐसी लाइन के थ्रू कैलकुलेट करना है जो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही। यानी देखा जाए मुझे ये और यहां से ये, इतना डिस्टेंस चाहिए। एम आई राइट? चाहिए कि नहीं चाहिए? अब किसी तरह से अगर मुझे ये पॉइंट पता चल जाए तो मैं दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती, मेरा काम हो जाएगा। अब ये निकालने के लिए ये क्या है, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास है, इस लाइन की नहीं है। अब देखो, क्या इस लाइन के रिलेटेड आपको कोई नॉलेज है? पॉइंट भी पता है, स्लोप भी दिया है, एंगल दिया ना, तो लाइन की इक्वेशन निकलेगी कि नहीं? कैसे? मेरे पास हो गए, हम लेबलिंग कर देते होते हैं, ए बी, इसको सी, चलो ये तो ओ ही है, ये सी, ये डी, आपके बेनिफिट के लिए। अदरवाइज हमने तो शॉर्टकट से ही करना है, एमसीक्यू टाइप। सबसे पहले मैंने ए बी की इक्वेशन लिखी, ए बी इक्वेशन y-y1 इज इक्वल टू स्लोप टेन 135 डिग्री इंटू x-x1। हाँ जी, अब टेन 135 डिग्री मैं इसको लिख सकती हूँ, टेन 135 को 180-45 डिग्री कर सकती हूँ। टेन 180-थीटा क्या होता है? -10 थीटा, तो ये बन गया -1, क्योंकि -10 45 क्या होता है? 1, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा ही है। ठीक है जी, तो दैट मींस इसकी जगह पे y-y1-1, x-4, y-1-x+4, y+x, हाँ जी, =5। ओके जी, अब ये इक्वेशन पता चल गई, ये पता है, दोनों को सॉल्व करें, ये पॉइंट निकाले फॉर पॉइंट डी। अब पॉइंट डी कैलकुलेट करने लगी हूं मैं, तो बेटा उसके लिए, पॉइंट डी के लिए मैं क्या करूंगी, यहां पर y की जगह पे 4x पुट किया, 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, x 1 पुट किया तो y कितना आ गया? 4, तो ये पॉइंट आ गया 1,4। ओके जी, अब दोनों पॉइंट्स पता चल गए, दोनों के बीच में क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस। हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? सबको क्लियर है? चलिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। आगे ये क्वेश्चंस हम लोग जो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड, 6-6 नंबर में, 5-5 नंबर में ये क्वेश्चंस आते थे, बट आप देखते हैं कि इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है अगर एमसीक्यू टाइप में होता है, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल 22। Now what is written in this? Assume that the straight line works as a plane mirror for a point.
एक स्ट्रेट लाइन है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करती है. फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस. अब ये लाइन जहां मर्जी हो हमें कोई टेंशन नहीं. सबसे पहले तो आपको मिरर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. मिरर में क्या आप फिजिक्स में करते हो? अगर एक मिरर के अलोंग आपने कोई इमेज देखनी होती है तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हो? इन्वर्टेड का क्या लेना देना बेटा? एक पॉइंट का उल्टा क्या होगा बेटा? वो तो कोऑर्डिनेट के लिए कह रहे हो ना, वो तो कोऑर्डिनेट के लिए कह रहे हो. वो तब होता है जब अलोंग एक्स एक्सिस ये लाइन स्ट्रेट है ऐसे, तो आप कहते हो इसका इधर नेगेटिव हो जाता है. होता कि नहीं? वो आपने नाइन्थ में भी किया. मैंने अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस तो पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे ये पूछा है. मान लीजिए ये लाइन ऐसी है, इस पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करनी है. जरूरी तो नहीं है कि वो नेगेटिव में ही आए. मान लीजिए ओरिजिन मेरा यहां कहीं है, ये लीजिए, ये तो उसी क्वाड्रेंट में रहा ना. वो तब होता है जब हम वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इमेज देखें. यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितना डिस्टेंस ऊपर होता है उतना ही डिस्टेंस नीचे होता है. ओके, दैट मींस इन दोनों का मिड पॉइंट हमेशा यहां इस लाइन पे लाई करेगा. पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा, जो पॉइंट और इमेज होती है ना, जो ये लाइन है हमेशा गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होती है. हमेशा मीन्स ये 90 डिग्री होता ही होता है ऑलवेज. ये कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन का. आप नॉर्मल और वो करते थे ना, मैं यहां पर मिरर की तरह की बात कर रही हूं, है ना, कि एक मिरर है, आप इसमें इमेज देखते हो, तो आप क्या करते थे? ये नॉर्मल ड्रॉ करते थे. Am I right? करते थे कि नहीं करते थे? क्यों? That means वो perpendicular होता था. Same here. अब वो मिरर टेढ़ा है, इमेज तो नजर आएगी ना, कोई बात नहीं. सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट यूज होने हैं. एक, ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है. दूसरा, इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करे. मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे होता है. ओके जी, अब जरा ध्यान से. मैंने यहां इसको अल्फा बीटा मान लिया, ये स्ट्रेट लाइन मुझे दी हुई है. ओके जी, अब अगर मैंने अल्फा बीटा मान लिया तो मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगी बेटा? देखिए ध्यान से, व्हाट आई हैव टू यूज हियर. सबसे पहले अल्फा प्लस वन बाय टू और बीटा प्लस टू बाय टू, इसको वन मार्क कर दो, लाइज इन इक्वेशन वन. जब मैंने पुट किया तो मेरे पास बेटा अल्फा प्लस वन बाय टू माइनस थ्री, बीटा प्लस टू बाय टू प्लस फोर इक्वल टू जीरो. सॉल्व कर लो, यू गेट वन रिलेशन इन अल्फा बीटा. मैंने आगे भी बहुत बार बच्चों को बताती हूं, आपने अपनी तरफ से अल्फा बीटा लेट किया, दो वेरिएबल सिलेक्ट किए जिनको निकालना है. अगर दो वेरिएबल लेट किए तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए इनकी वैल्यू निकालने के. एक हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, मिड पॉइंट से कि वो लाइक करता है. दूसरा, मैंने आपको बताया ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? माइनस वन. इसका स्लोप अगर निकाले तो मेरे पास वो है अल्फा माइनस वन, सॉरी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इसकी स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस वन. सॉल्व करोगे अल्फा बीटा में एक रिलेशन ये आ जाएगा. सॉल्व कर ले इसको पूरा. चलिए, बीटा माइनस टू इज इक्वल टू, लेट मी शो यू. हाँ जी, बीटा माइनस टू मेरे पास जो है इक्वल्स टू थ्री अल्फा माइनस थ्री, और मेरे पास जो है बीटा की वैल्यू थ्री अल्फा माइनस वन हो गए. हाँ जी, यहां पर पुट कर दे. हाँ जी, चेक चेक कर लीजिए,
यस उधर नेगेटिव था, मैंने देखा नहीं बेटा, नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे कटे थे, तो माइनस थ्री और प्लस, लो जी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस फाइव आ गया। ओके जी क्लियर। अब बीटा की वैल्यू निकल आई, पुट बीटा हियर। अब जब बीटा यहाँ पर पुट करेंगे तो सारी इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, अल्फा में, अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो बीटा भी आ जाएगा, अल्फा बीटा ही निकालना था क्योंकि इमेज पूछी गई थी मुझे, तो इमेज को मैंने क्या लिया था, अल्फा बीटा। बात समझ होगी बेटा, क्लियर सबको, कोई डाउट तो नहीं, चलूं आगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए 23rd। वैसे 10th में आपने एरिया नहीं किया हुआ, बट प्लस वन में एरिया कोई डिलीटेड नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन जो गए दैट इज नॉट इन द सिलेबस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं किसी ट्रायंगल के, और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास हो गए 1/2। अब ये मॉड नहीं है, जस्ट वैसे एक फॉर्मूला कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जो पहला लिखते हैं उसको बाद में रिपीट। अगर यही क्वाड्रिलेटर होता तो 4 क्वाड्रेंट आते और फर्स्ट वाला फिर रिपीट होता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 1/2, हाँ जी, x1 into y2 माइनस x2 y1, फिर बीच में प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस, हाँ जी मेरे पास हो गए x3 y1 माइनस x1 y3। ओके बेटा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, अच्छा मैं ये बता दूं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर बाय चांस एरिया नेगेटिव आ जाए तो हम कह देते हैं रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, आंसर रिजेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, मान लो किसी का आंसर -26 आ जाए तो आप क्या कहोगे, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइंस एज स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो द आंसर विल बी 26 स्क्वायर यूनिट्स। इसीलिए हम नॉर्मली एरिया के बाहर ऐसे मॉड डाल देते हैं कि नेगेटिव आए तो अपने आप कंज्यूम हो जाए। ओके बेटा क्लियर। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब देखिए हाँ जी, फॉर दैट बेटा शो दैट द एरिया ऑफ, मेरे पास हो गए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, x इज इक्वल टू 0 इज c1 माइनस c2 स्क्वायर ओवर 2 मॉड m1 माइनस m2। हमने ये शो करना है। अब बेटा क्लियर कट है, मेरे पास 3 ट्रायंगल्स की जो है साइड्स दे दी, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए। आगे क्या होता था, कोऑर्डिनेट्स दिए होते, वर्टिसेस दिए होते थे, आप सीधा फॉर्मूला लगाते थे एंड यू विल गेट योर आंसर, एम आई राइट। अब वो नहीं दिया तो उसके लिए बेटा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू, हम दो दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे, मान लो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैंने पहले फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व की, दोनों को माइनस कर दी, जब माइनस किया 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2,
इनटू एक्स प्लस सी वन माइनस सी टू। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बेटा मेरे पास क्या आएगी, दैट इज सी टू माइनस सी वन ओवर एम वन माइनस एम टू। एक्स आ गया, मुझे वाई भी चाहिए ना, तो वाई कैसे निकालू, आप एक्स ये पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग इन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन आई विल गेट माय आंसर एज, हाँ जी, वाई इज इक्वल टू एम वन सी टू माइनस एम वन सी टू ओवर मेरे पास हो गए एम वन, हाँ जी बिल्कुल जी, एक मिनट सी वन माइनस एम टू प्लस सी वन। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, व्हेन यू टू यू विल टेक द एलसीएम यू विल गेट एम वन माइनस एम टू, हाँ जी एम वन सी टू माइनस एम वन सी वन प्लस एम वन सी वन माइनस एम टू सी वन। आप देख लीजिए कोई कटिंग तो नहीं हो रही है, वन कैंसिल हो रहा है, एम वन सी टू माइनस सी वन एम टू ओवर एम वन सी वन। ये क्यों किया मैंने पता आपको, जैसे ये देखिए ये दो लाइंस है, मान लीजिए ट्रायंगल बना रही है, मान लो मेरे पास हो गए लाइन कैसे भी है, अब मैं ऐसे बना के दिखाती हूं, मान लीजिए दिस इज माय लाइन, मैंने एक जस्ट एग्जांपल दी, अगर ये मेरे पास ट्रायंगल बन रही है तो आप देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मुझे पता चलता है वर्टेक्स पता चलेंगे तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर सकूंगी। तो वर्टेक्स कैसे निकाले जाते हैं, तीन ट्रायंगल की साइड्स ही हैं, एट ए टाइम दो दो को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट, बस सिंपल सी बात, बात समझ आई बेटा, क्लियर। तो यही काम मैंने किया, मैंने एक्स वन और वाई वन निकाल लिया, एक पॉइंट हो गया। अब मैं दूसरा कैसे निकालूंगी, बहुत इजी है दूसरा कैलकुलेट करना, फॉर दैट बेटा व्हाट आई हैव टू डू, मैं फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करूं, फर्स्ट एंड थर्ड में तो भाई बहुत इजी, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो तो वाई क्या आ गया सी वन, यानी एक पॉइंट बन गया जीरो कॉमा सी वन। ओके जी, फिर सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व कर, एक्स जीरो पुट किया वाई कितना आ गया सी टू, और एक पॉइंट तो मैंने पहले ही निकाल लिया, अब तीन वर्टेक्स आ गए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो जो अभी मैंने यूज किया था, ठीक है बेटा कर सकते हो कि नहीं, वैल्यूज पुट करो। अब आपको ये टेंशन रहती है कि मॉड कैसे आंसर में आएगा, क्योंकि यहाँ आंसर में मॉड दिया हो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले ही मॉड ले लोगे, क्योंकि आपको पहले ही बोला कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो वो जब मॉड पूरे पे आता है ना बेटा, मान लो ऊपर आपके पास C1 माइनस C2 का स्क्वायर बना, नीचे M1 माइनस M2 बना, बेटा यह स्क्वायर ने भी नेगेटिव को कंज्यूम कर लेना है और मॉड ने भी नेगेटिव को कंज्यूम कर लेना है, तो इसीलिए इसको यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ मॉड नीचे ही रहता है। समझ आई कि क्यों यहाँ सिर्फ मॉड नीचे है ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और मॉड एक तरह का सेम ही कॉन्सेप्ट करता है कि नेगेटिव वैल्यू को खत्म कर देता है। ओके जी, समझ आ गई बात, चलो आगे बेटा, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेट अस डू दिस क्वेश्चन बट क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल 24,
ध्यान से बेटा अब इसको समझना. अ लाइन इज सच दैट इट्स अ सेगमेंट बिटवीन टू लाइंस इज बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट जो है 1.5. अब उसने कहा मेरे पास ना कोई दो लाइंस थी ऐसे, मुझे नहीं पता वो लाइंस कैसी हैं, बस लाइंस दी हुई हैं, मैंने ड्रॉ कर दी. अच्छा ये लाइन जरूरी नहीं इधर को, ऐसे भी हो सकती है कि इधर को इंटरसेक्ट करें ऐसे. मैं तो एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूं. हमने कोई ऐसे क्वेश्चन में ना पर्टिकुलर ड्रॉ करके नहीं देखना होता है, हमारा काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना. अगर हम पर्टिकुलर ड्रॉ करेंगे तो टाइम बहुत वेस्टेज होता है, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना होता है. अब उसने कहा मान लीजिए एक लाइन ए, दूसरी लाइन ए, अब इनके बीच में एक लाइन सेगमेंट है, फिक्स लेंथ होगी कि नहीं, वो बाइसेक्ट करता है तो पॉइंट 1.5. ठीक है. अब उसने कहा है ऑब्टेन्ड इट्स इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी. अब मैंने आगे भी आपको बार बार एक चीज बता चुकी हूं, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए ना एक पॉइंट मिल जाए, पॉइंट है, एक और पॉइंट मिल जाए या स्लोप मिल जाए. स्लोप की तो कोई बात ही नहीं आ रही, तो मेरे दिमाग में अल्टीमेट क्या आएगा, एक पॉइंट निकालो. मैंने क्या किया, इस पॉइंट को अल्फा वन बीटा वन या अल्फा बीटा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पॉइंट को मैंने ए बी ले लिया, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पता चल जाए ना, चाहे अल्फा बीटा या ए बी, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब ये पॉइंट इस लाइन पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, पहला काम 5α - β + 4 = 0, ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, 3α - β - 4 = 0. अब उसने मुझे क्या कंडीशन दी थी कि ये जो पॉइंट है ना ये मिड पॉइंट है इस पूरी लाइन सेगमेंट का. अगर मिड पॉइंट है तो दैट मींस इन दोनों का मिड पॉइंट इसके इक्वल होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस ए बाय 2 = 1, यानी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 2. अल्फा की वैल्यू निकाल लेती हूँ 2 माइनस, हो गया, इसको कर लो थर्ड मार्क. सिमिलरली मेरे पास बीटा प्लस बी बाय 2 = 5, ये 10 हो गई, मैंने बीटा की वैल्यू निकाल ली 10 - b. देखो चार इक्वेशंस बन गई, 1, 2, 3 और चार ही वेरिएबल्स हैं, यानी हम निकाल सकते हैं. मैं बार बार ये चीज बताती हूँ, जितने वेरिएबल्स हो उतनी इक्वेशंस हो, आप तभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपका अटकेगा. ठीक है. अब देखो मैंने क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन ए बी में अगर अल्फा बीटा की वैल्यू ए और बी में वाली मैं यहां पुट कर दूं, तो ये सारी इक्वेशन भी किस में आ जाएगी, ए बी में आ गई, दो इक्वेशन ए बी में आ गई, उसको सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर. समझ आई कि नहीं आई, देन गेट योर आंसर ऑफ ए बी. अब ए बी आ गया तो बेटा आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म में, कोई फिक्स नहीं है. कोई बच्चा यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लेता इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, कोई बात नहीं, तब सेकंड इक्वेशन में पुट करता है ना ए बी की वैल्यू, और सारा कुछ किस में चेंज हो जाता, अल्फा बीटा में, तो उसकी किस क्या आ जाता आंसर, अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाता. बात समझ आई, क्लियर, एनी डाउट कम्स इन योर माइंड. सिर्फ मेथड है
जो आपको याद होना चाहिए, मेथड। इसमें कोई वो फिक्स्ड नहीं है, मतलब मैंने एक दिमाग से मेथड बताया हुआ है, दो पॉइंट्स लेने हैं, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और ये पॉइंट को इस लाइन में, ये पॉइंट को इस लाइन में, किसी तरह चारों इक्वेशन को दो वेरिएबल में चेंज करना है। दो वेरिएबल में चेंज कर दिया तो अपने आप आ जाएगा। समझ आ गई बेटा? एनी डाउट दैट कम्स इन योर माइंड? असीस, इज इट क्लियर बेटा? पक्का? चलूं आगे? अर्शदीप क्लियर है? हाँ जी, ओके काव्या। चलिए बेटा, दिस कंप्लीट्स योर एग्जांपल्स। अब बेटा वन एग्जांपल इज देयर, यस लेट अस डिस्कस दैट एग्जांपल 25। खत्म कर देते हैं इसको भी। और ये सारे एग्जांपल्स अगर आपने देखा, हर एक में मेथड स्ट्रेट लाइन का ही लग रहा है, पर पहले कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एग्जांपल 25, शो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। वो कहता एक ना पाथ एक पॉइंट कवर कर रहा है, ऐसे ये पाथ कवर कर रहा है, ये पाथ ऐसे कवर कर रहा है। मान लो एक लाइन ये, एक लाइन ये, जितना डिस्टेंस इधर से इस पॉइंट का इधर में है ना, ये दोनों डिस्टेंस बराबर, ऐसे ही इधर और इधर इक्वल है, इधर और इधर इक्वल है। ऐसे कभी रोड में देखा है? साइंस पढ़े होते हैं, जब आगे ना डिवीजन होनी होती है ना, तो वो कहता है कि ये पॉइंट जो मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इसके इक्वल, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल। तो जो ये पॉइंट मूव करेगा ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन कवर करेगा। ये हमने प्रूफ करना है, ओके जी? ये हमने क्या करना है? प्रूफ। वेब देखा कभी? वेब ऐसा क्यों स्ट्रक्चर होता है? वो बनाता ऐसे है, बट उसके बीच में वो ऐसे 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 लाइंस, ऐसे ही वो इधर को चलता है, फिर ऐसे ही बन जाता ना सारा वेब ऐसे। तो वो कहता है कि वो चलता स्ट्रेट लाइन में ही है, तुम जो मर्जी देखो। आप अगर वेब को कभी ऑब्जर्व करना, वो करता क्या है? हमेशा स्ट्रेट लाइन ही डिस्टेंस मूव करता है, ओके जी? तो हमने ये प्रूफ करना है। तो फॉर दैट बेटा हमारे पास जो दो स्ट्रेट लाइंस दी हैं, एक दी है 3x - 2y = 5, एक 3x प्लस मेरे पास 2y = 5, ये दिया। अब बेटा चलो इसको बेटा कंप्लीट करेंगे हम कल, ओके? और ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहले 10 मैंने सिर्फ कल प्रॉब्लम्स लेनी, आई विल टेक ओनली प्रॉब्लम्स फ्रॉम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ओके? बी रेडी विद दैट।